विभाग भट्ट क्या है? अरिवत प्राणान श्रृणोति इत्यर्ष अरिवत प्राणिनो मांस कीलेन निविशन्ति यतः अर्षांसि तस्माद् उच्यन्ते बुध मार्ग निरोधते है। तो ये भागवत के अकॉर्डिंग है। देन चरक, चरक ने क्या बोला है? अर्षांसि इत्यादि मांस विकारा गुदा मीन्स गुद, इसने क्या बोला चरक ने, जो गुदा है ना शादी की त्वचा में मांस में उत्पन्न हुए विकार को अर्ष कहते हैं, ठीक है। देन माधव निदान, माधव निदान में माधव ने क्या बोला है, दोष स्तवंग मांस वेदांसी समदुष्य विविध कृतीन मांस अंकुरान अपान आदव कृत्यंत अर्षांसी ता अंजुगह। सो मीन्स जब मांस अंकुरान अपान आदव कुरुवंत अर्षांसी, जब पेशेंट्स रोगी जब प्रेस होता है स्टूल पास करता है तब मांस अंकुर जो है अपान वायु, जैसे जो स्टूल पास करेगा तो अपान वायु को हो रहता है, तो तब मांस अंकुर जो है बाहर की साइड जब आते हैं तो उसको अर्ष का नाम दिया गया है अकॉर्डिंग टू माधवा, ठीक है। दोष त्वंग मांस वेदांसी, जब दोष जो है त्वक और मांस आदि के अंदर जब दूषित हो जाते हैं, दोष जो है प्रकोपित होते हैं, जो भी कारण है उसके कारण आगे आएंगे आपको, विरुद्ध विरुद्ध है, अध्यक्ष स्त्री प्रसंग, ये सभी जो जो कारण है ये सभी क्या है, दोषों को प्रकोपित करते हैं, जो दोष है ये तवंग और मांस में जाके इसको दूषित करते हैं और इसके बाद जो है वो मांस अंकुर में जाते हैं और वो अर्ष को कोज करते हैं। तो ये माधव निदान का है, ठीक है। देन इसने टाइप दिया है, टाइप कौन कौन से है, सड़स अर्ष अंशी भवंती वात पित्त कफ शोणित शनिपात सहजानी चेती। तो जो अर्ष है वो छह टाइप्स का बताया है, सिक्स टाइप्स का बताया है, वाता पित्त कफ शोणित शनिपात एंड सहजानी। सहजानी मीन्स कॉन्जेनाइटल। वन सेकंड बेटे, इसमें फिर जो है टाइप्स थे वाता पित्ता कफा शोणिता शनिपाती सहजानी। सहजानी से मिल गया सहज रोग से, कॉन्जेनाइटल डिजीज से, ठीक है। इसके बाद इसमें नेक्स्ट स्लाइड ना सॉरी यही है, इसमें है क्या क्या रीजंस हैं जिसकी वजह से अर्ष उत्पन्न होता है। तो इसने क्या है, आचार्य जो सुश्रुत है इसने डायरेक्ट जो है पैथोजेनेसिस पूरी संप्राप्ति दी है कैसे अर्ष उत्पन्न होता है। तो इसने दिया है यथो उक्तई प्रकोपण विरुद्ध अध्यक्षण स्त्री प्रसंग उत्कुटासन पृष्ठियान वेग विधारण आदि भीर विशेष प्रकोपिता दोषा एक सौ दिवस समस्ता शोणित संहिता व यथोक्त प्रसरिता प्रधान धमनी अनु प्रपादो प्रपाद अधो गत्वा गुदम आग्यम प्रदुष्य गुदवल्ली गुदवल्लीर मांस प्रोहजन जनयंती विशेष तो मंदाग्नि तथा तृण काष्ट उपल लोष्ट वस्त्रा भी शीत उदक समस्प्रनाद वा कंद त्रिवृद्धम मास आदयंती ते अन्य अर्षांसी इत्यादि च आक्षते। तो ये पूरी पैथोजेनेसिस बताई है इन्होंने आचार्य सुश्रुता ने। तो इन्होंने क्या लिखा है, प्रकोपणैर विरुद्ध है। तो कब कब दोष कैसे प्रकोप होंगे, विरुद्ध 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 से, विरुद्ध भोजन से, अध्यसन से, स्त्री प्रसंग से, उत्कुटासन से, ठीक है। तो उत्कुटासन क्या है, ये बुध पार्षणी, नीचे देखो इसने विमर्श के में लिखा हुआ है। उत्कुटासन क्या है, बुध पार्षणी समायोगम प्राहु उत्कुटासनम।
तो बुध पार्श्वनी समायोगम क्या है, तो जैसे ही हम उकड़ू उकड़ू उत्कटा संगम मतलब उकड़ू बैठना, तो जैसे ही हम नॉर्मल जो इंडियन टॉयलेट है उस पे बैठते हैं तो उसमें क्या रहता है, बुध पार्श्वनी समायोगम, जो अपना एनल एरिया है, एनोरेक्टल एरिया है, वो पीछे की तरफ जो है अपने पैर से टच रहता है, तो इसको बुधा पार्श्वनी समायोगम दिया गया है। ठीक है, तो इसलिए जब गुदा पार्श्वनी समायोगम होगा तो उसको उस टाइम उत्कुटासन का नाम दिया जाएगा। ठीक है, तो उत्कुटासन पृष्ठयान, तो पृष्ठयान का मतलब क्या है, असौ आदिनाम पृष्ठेन गमनम पृष्ठयानम। ठीक है, जो असौ घोड़े वगैरह पे जो भी हम यात्रा करते हैं उसको पृष्ठयान का नाम दिया गया। देन धारणीय वेग, जो आपने फर्स्ट ईयर में भी पढ़ा है, धारणीय और अधारणीय वेग रहते हैं, उनको अधारणीय वेगों को धारण करने से भी होता है क्या होगा, उससे जो है दो वातादि दोष है वो प्रकोपित होंगे, वो एक भी हो सकते हैं, 100 दिवस से समझता है, एक भी हो सकता है, दो भी हो सकते हैं, और ट्रिपल तीनों भी हो सकते हैं, छनिपातस भी हो सकते हैं, और या फिर सोनित संहिता वा, या फिर रक्त के सहित अनेक प्रकार से प्रेसरित होके, यथोक्तम प्रेसरित, प्रेसरित होके शरीर की जो है प्रधान प्रधान धमनी है का आश्रय लेके उनके द्वारा नीचे जाकर गुदा में गुदवलियों को जो है दूषित करते हैं। गुद गतवा गुदगाम्यम प्रदूष्य, गुदवल गुदा मार्ग में जाके गुदवलियों को प्रदूषित करते हैं और मांस गुदवलियों को दूषित करके उसमें जो है मांस के अंकुर उत्पन्न करेंगे। गुदवलीर मांस पुरोहित जनयंती, मांस के अंकुर उत्पन्न होंगे जिससे कि वो बाहर निकलने स्टार्ट हो जाते हैं। जैन विशेष तो मंद अग्नि, और स्पेशली और रीजन क्या है, ये तो है ही है रीजन, विशेष तो मंद अग्नि, कॉन्स्टिपेशन द मेन फैक्टर इन द दैट इज लीड टू फाइल्स। देन तृण कास्ट उपल लोस्ट वस्त्राभि, तृण कास्ट है, उपल है, लोस्ट है, ये भी जो है जैसे जो फार्मर हैं वो खेतों में काम करते हैं तो तृण कास्ट है, वो भी कई बार जैसे वो उकड़ू बैठ के फसल वसल काटते हैं तो वो भी क्या रहता है, तृण वगैरह लगने के चांसेस रहते हैं, वो भी कोज करते हैं। देन शीतोदक शीतोदक सम स्पर्शनाद, तो जो शीतल जल है वो भी बढ़ाता है इस डिजीज को, तो इसलिए हम आपको पता है पोस्ट एमेडोक्टमी और वैसे भी स्टेटस बात के लिए पेशेंट को एडवाइज करते हैं, तो वो क्या है, पेशेंट को एडवाइज करते हैं, क्यों करते हैं, क्योंकि जो वार्म वाटर है वो वात का समन करता है टू ईज द पेन। ठीक है, एंड विशेष तो मंदाग्नि ऐसे लिख देना, पूरा श्लोक ना लिख के ऐसे लिख सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट स्लाइड, इसके बाद नेक्स्ट, तत्र स्थूलांत्र प्रतिबद्धम अर्ध पंचांगुलम गुदम आहु तस्मीन बल्ले स्त्रियो, जो स्थूलांत्र स्थूलांत्र प्रतिबद्धम का मतलब क्या है, इसमें जो अपना सिग्मोइड कोलन है उससे कंटिन्यूस पार्ट होता हुआ पार्ट आता है। देन प्रतिबद्धम अर्धम पंचांगुलम,
जो अर्धम पंचांगुल का मतलब जो है 4.5 हो जाएगा, ठीक है, 4.5 अंगुल, ठीक है, इसका जो प्रमाण है खुदा का। देन इसमें कैसे कैसे दिया है, इसमें तस्मीन बल्ले स्त्रियो, तीन जो बताया है, अध्याय अर्धोंगुलम, आंतर संभूता प्रवाहिणी, विसर्जनी, सन्मरणी, चेती। तो इसमें क्या दिया है, डेढ़ अंगुल के अंतर पर प्रवाहिणी एंड विसर्जनी सन्मरणी ऐसे बताया। तो डेढ़ 1.5 टोटल 3 एंड प्लस 1.5 टोटल 4.5 हो जाएगा। टोटल कितना प्रमाण है, 4.5। तो इसमें ऐसे इसका तीन नाम दिया गया, जैसे अपने पाइल मास जो है 11 o'clock, 3 o'clock और 7 o'clock है, तो ऐसे ही नाम दिया गया है, प्रवाहिणी, विसर्जनी और संवरणी, जो तीन पाइल मास का नाम दिया गया है। एंड इसके बाद है चतुर अंगुलायतम सर्वा स्त्रियग अंगुलम उच्छ्रिता शंख आवर्त निभाश्च अपि उपरियोपरि समशिष्टता गज तालु निभाश्च अपि वृणत संप्रकृतिता रोम रोमा अंतेभ्यो यो आधेय अर्थो गुदाओष्ठ प्रीकृतते प्रथमा तु गुदाओष्ठम अंगुलम मात्रे। जो तीनों बलिया जो मिलके है, चार अंगुल लंबी और एक अंगुल टेढ़ी ऊपर उभरी हुई तथा संख्या और क्षेत्र है। इसके पूर्व रूप में क्या रहेगा, पूर्व रूपाणी में अन्य ऐसरदा अन्य की अभिलाषा न होना, कृच्छात पक्ति रमलिका, देन एसिड होना, पेप्टिक अल्सर टाइप रहना, गैस्ट्रिक का रिफ्लेक्स होना, पक्ति रमलिका, प्रीदाह दाह होना, विष्टम्ब होना, पिपाशा होना, शक्ति सदन होना, आटोप होना, पार्श्य उद्गार, बाहुलम लक्षण, इंटेस्टाइनल साउंड होना, उद परिकर्तनम और गुदा एरिया में जो कैची के समान काटते हुए फील होना, देन पांडु रोग होना, पांडु रोग होएगा क्रोनिक पाइल्स में, ग्रैनी रोग, ठीक है, ये सब जो कास और क्यों आ रही है, कारोबार क्या पड़ा है।